पटवारी और कानून गो एसोसिएशन झज्जर के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। एसोसिएशन के प्रधान मनीष यादव ने बताया कि पटवारी और कानून गो एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांगे ACR मेडिकल बिल है। ऐसे में और हमारे DC साहब से बात हुई है और हमने अपनी सभी समस्याओं से DC साहब को अवगत कराया है, लेकिन DC साहब की तरफ से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है। वहीं एसोसिएशन प्रधान मनीष यादव ने DC के सामने जिला राजस्व विभाग के अधिकारी पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है और उन्होंने कहा कि अधिकारी का इस तरीके का कर्मचारियों के प्रति व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो मानव अधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। हमारी 12 मांगे हैं, उनमें से 11 मांगे हमारी जिला प्रशासन स्तर की हैं और एक मांगे हमारी कॉमन है राज्य स्तर की व जिला प्रशासन स्तर की। और इसके अलावा DC साहब हमारे बीच आए हैं लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है और मांगों को लटकाने वाली बात और एक प्रलोभन देने वाली बात है, किसी प्रकार संतुष्टि वाली बात नहीं है और हमारा ये धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। शाम तक यदि कभी कोई सकारात्मक उत्तर उनकी तरफ से आएगा तो हम सांकेतिक धरना समाप्त कर देंगे, वरना हमारा सोमवार से ये सांकेतिक धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा। क्या मुख्य मांगे रखी हैं? मुख्य मांगे हमारी ACR की हैं, LTC की हैं, मेज कुर्सी की हैं और मेडिकल बिल हैं। हमारे पटवारी कानून के साथियों के काफ़ी दिनों से पेंडिंग है वो हैं और हमें कोर्ट में नजायज़ तौर पर भेजा जाता है। कोर्ट में जाने में कोई भी पटवारी कानून को अगर निजी रूप से वो पार्टी नहीं है तो सक्षम नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने अपना कर्मचारी अधिकारी लीगल लॉ से अवेलेबल कराना चाहिए और उसके लिए नए हमारे जवाबदारी के लिए प्राइवेट वहीकलों से हम जवाबदार तैयार करवाते हैं, उसके लिए 5 से 10 हज़ार रुपये तक हमें अपनी जेब से वहन करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है। बीस ब्याह का आरोप है, जिला राजस्व अधिकारी हमारे स्टाफ के कर्मचारियों के साथ अनावश्यक तौर से बुलाते हैं, अनऑफिशियली बुलाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, गाड़ियां तक देते हैं और अपने एजेंटों को अपने दलालों का बिठाए रखते हैं और उनके काम करवाते हैं। ये अपना कुर्सी का और सरकार का काम, कार्यालय का काम, आमजन का काम कम करते हैं, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करते हैं और इसी तरह का ये है। मैं स्वयं भी प्रधान होने के नाते इनके पास 2 बार गया हूँ तो पीछे से आवाज़ ये आई कि ये तो अपना प्रधान का दबाव बनाने के लिए आता है, इसी प्रकार की इनकी बातें हैं। और 2 कानून को साथी बाल होने के बाद इनको धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ गए थे, उन्होंने दरवाजे में घुसते बिल्कुल मिसबिहेव किया, उनको गालियाँ तक दी मेरे सामने दी। बहरहाल पटवारी और कानून को एसोसिएशन की तरफ से सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारा धरना सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकता है। सत्य खबर के लिए झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।